हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम जेनेटिक्स के ही टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। जो हमने पूरी सीक्वेंस बनाई है उसमें सारे जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्लियोट्रॉपी, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो प्लियोट्रॉपी क्या है? आज तक अभी तक हमने पढ़ा है जेनेटिक्स के अंदर, वो सब कुछ पढ़ा था हमने उसके अंदर, के सिंगल जीन का रिस्पॉन्सिबल होता था किसी भी एक करेक्टर के लिए। मीन्स सिंगल जीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिंगल ट्रेट। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसमें, एक प्लियोट्रॉपी में ये है, एक ही सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल हो एक से ज्यादा ट्रेट को बनाने में। ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए सिंगल जीन, उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और वो जो सिंगल जीन करवाता है उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, सो प्लियोट्रॉपी इज व्हाट? एक से ज्यादा करेक्टर्स के लिए, एक से ज्यादा ट्रेट्स के लिए कोई भी जीन रिस्पॉन्सिबल हो, एक ही जीन करे, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्लियोट्रॉपी, और उसको कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए सिंगल जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव मीन्स डिफरेंट क्वालिटीज दे रहे हैं ना, तो इस तरह से इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक कंडीशन। प्लियोट्रॉपी जैसे कि आपको पता है कि आप हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो जीन का जो होता है पेथवे, एंजाइम का पेथवे होता है, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सिंगल प्राइमरी प्रोडक्ट, वो प्राइमरी प्रोडक्ट आके चल के दूसरा एंजाइम जो है उसको सेकेंडरी में करता है। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में चार पांच एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, तब जाके वो पूरा होता है। अगर कोई भी एंजाइम मिस होता है तो नहीं। इसी तरह से ये प्रोसेस कुछ होते हैं, कुछ करेक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिफरेंट जीन्स के लिए, तो उस वजह से। तो एक प्लियोट्रॉपी में ये है मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए सिंगल जीन, उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया हमने डिजीज पढ़ी थी जिसमें फिनाइल एलेनाइन जो है एंजाइम, फिनाइल एलेनाइन जो एंजाइम है वो अमाइनो एसिड है, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं बनता। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है उसकी वजह से, वो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है नॉर्मली वो उसके अंदर नहीं पाया जाता ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर। तो उसके अंदर फिनाइलएलानाइन की कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, मीन्स जो स्टोरेज ज्यादा होती जाती है, तो फिर यूरिन के जरिए जो है वो रिमूव होता है। तो एक तो ये डिजीज होती है उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कौन से ट्रेट होते हैं उस बंदे का जिसके अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया है उसके अंदर? एक तो यूरिन के अंदर जो है फिनाइल एलेनाइन आएगा। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर, उसकी ठीक है उसकी बॉडी जो होगी शॉर्ट होगी, वो इतना ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर जो इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर्स मींस जो अगले वाले दांत होते हैं, ठीक है इंसिजर्स, उनके बीच में गैप्स आएंगे उस बंदे के अंदर, गैप्स होंगे इंसिजर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके अलावा ये इफेक्ट पड़ेगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस बंदे के अंदर जो पिगमेंट्स नहीं बनेगी, नो पिगमेंट्स आर फाउंड, उसके अंदर पिगमेंट्स नहीं बनेगी किसके अंदर, स्किन के अंदर और हेयर के अंदर। ठीक है, इस वो बंदा अल्बिनो की टाइप का होगा, अल्बिनो की तरह होगा। इस तरह से ये कंडीशंस पाई जाएंगी। मींस देखो, फिनाइल कीटोनुरिया एक पॉइंट म्यूटेशन हुई है सिंगल जीन के अंदर, लेकिन उसके इफेक्ट कितने हो रहे, मींस वो सिंगल जीन अगर बनता, वो एंजाइम होता प्रॉपर, होता जीन वो नॉर्मल होता, तो ये सारी डिजीज नहीं होती। मींस वो उनको सबको ठीक कर रहा था। अगर उसके अंदर वो नहीं है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बनी, यूरिन जो के अंदर आ रहा है, फिनाइलएलानाइन शॉर्ट स्ट्रेच हो रहा है, इंसिजर गैप्स हो रहे हैं, नो पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस, तो ये सारे की ये एक ही सिंगल जीन के लिए मल्टीपल इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल ये है केट के अंदर होता है, केट के अंदर जो है व्हाइट फर के लिए जो, और ब्लू कलर की आईज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो डीप नेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से एक ही जीन का जो है असर पड़ रहा है दूसरे पे। इसी तरह से ड्रोसोफिला के अंदर जो है वेस्टिकल विंग्स का, अगर ऐसी वेस्टिकल विंग्स के लिए जो रिसेसिव दो एलील्स पाए जाते हैं वो अगर उसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है किसी के अंदर वेस्टिकल विंग्स के लिए दो अलील्स, ठीक है
तो उस जो ड्रोसोफिला के अंदर दूसरे इफेक्ट्स भी होंगे, रिसेप्टेकल्स वो इतना नहीं बढ़ेगा, उसकी लेंथ पे भी इफेक्ट होगा, इस तरह से ये सब कुछ होता है इसके अंदर। सो दिस इज द प्लियोट्रॉपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।